नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद के टुंडला पुलिस ने 6 दिन पूर्व किशन होटल के पीछे मिले करण के शव की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया। हत्या का कारण त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने ही की थी करण की हत्या। SP ग्रामीण रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मृतक करण 18 साल के, परिजनों ने थाना टूला में 13 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 16 जनवरी को करण का शव किसान होटल के समीप मिला था, जिसकी परिजनों ने शिनाख्त करने के करण के रूप में की थी। वहीं परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने 3 टीमों का गठन किया, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को आगरा की ओर सर्वे रोड टूला से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने नाम गौरव कुशवाहा पुत्र उदय पाल सिंह निवासी जीवन नगर कॉलोनी भर्रा नाला थाना टूंडला पुष्पेंद्र उर्फ जुल्मी जाट पुत्र गजेंद्र प्रताप सिंह निवासी महावीर नगर थाना टूंडला अतुल पुत्र जयवीर सिंह निवासी कमोरा थाना बलदेव जिला मथुरा बताया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक ईंट व पेचकस व शराब की खाली बोतल और मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। आरोपी गौरव कुशवाहा ने बताया कि मैं और पुष्पेंद्र उर्फ जुल्मी रूवी काल्पनिक नाम से प्यार करते थे। हमसे पहले रूवी करण से प्यार करती थी, उसी द्वारा रूवी से दोस्ती हो गई। हमने कई बार करण और रूवी को समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने, जिस पर करण ने गाली गलौज भी की थी, जिससे हम लोगों ने हत्या की साजिश रची, जिसमें पुष्पेंद्र का बुआ का लड़का अतुल ने भी साथ दिया था। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो देखते रहिए C20 न्यूज। देखिए, थाना टुल्ला पे एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी 14 तारीख को, जिसमें जो आवेदिका थी उनका ये कहना था कि उनके बेटा एक दिन पहले 13 तारीख को 1 बजे से गायब था, वो वापस घर नहीं आया था। तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। उसके बाद उसके बच्चे की हुलिया के अनुसार हम लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू करा दी थी। काफ़ी टीमें लगी थी हमारी। अनफॉर्चुनेटली 16th को, यानी 3 दिन के बाद, गुमशुदगी दर्ज के 2 दिन के बाद, घटना के 3 दिन के बाद, हम लोग को जानकारी हुई कि एक जगह खंडहर में एक डेड बॉडी पड़ी है। मौके पर हम लोग गए, हुलिया हमारे पास था, और जो ये जो परिवार के थे, जो गुमशुदा बच्चा था, उसके परिवार के लोगों को बुलाकर हम लोग मौके पर गए, तो पता चला कि जो मृतक करण का ही वो डेड बॉडी था। उसके बाद से हम लोगों ने, हमारी टीमें लगी उसमें, और टेक्निकल सर्वेलांस का हम लोगों ने सहारा लिया। हम लोगों के पास सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बच्चे का जितना मूवमेंट था, उसकी जो गतिविधियाँ थी, उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस थे, उसको हम लोगों ने आगे एक्सप्लोर किया, आगे बढ़ाया। हम लोगों ने आसपास के चित्रों का फुटेज वगैरह भी देखा, तो कुछ लोग लड़के को 13 तारीख को उसके साथ संपर्क स्थापित दिखा और उसके साथ जाना दिखा। उन लड़कों से गहराई से पूछताछ की गई, और जब डेड बॉडी आई थी, तो डेड बॉडी के मिलने के बाद ही लड़की के जो मृतक था, फादर की, फादर ने आकर हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन दी थी FIR की, उस 16 को हम लोगों ने FIR दर्ज की थी। उसमें गौरव कुशवाहा नाम के लड़के का नाम आया था, गौरव और एक और उसके साथी का नाम आया था। लेकिन हम लोगों ने जब पूरी छानबीन की, तो उसमें 3 लड़कों का नाम प्रकाश में आया फाइनली, जिन लोगों ने एक प्लान के तहत 10% के चक्कर में उस लड़की की हत्या कर दी थी। 10% के बारे में जो मृतक था, उसका एक लड़की के साथ संबंध चल रहा था, 10% का। उसमें दो जो ये गौरव कुशवाहा है और एक लड़का पुष्पेंद्र जुल्मी, ये दोनों बाद में लड़की के साथ उनके संबंध बन गए, और उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने के लिए और उस लड़की से अपने रिश्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए गौरव कुशवाहा और पुष्पेंद्र जुल्मी ने मिलकर के अपने एक रिलेटिव के साथ, जो पुष्पेंद्र का एक रिलेटिव है अतुल, उसको भी बलदेव मथुरा से बुलाया, और इन तीनों ने मिलकर के उस लड़के को इंस्टाग्राम से पहले अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। जिसमें जो जिस चीज़ों से हत्या की गई, वो भी हमारे पास बरामद है। उसमें जो पेचकस वगैरह था, उससे उसने मारा था, पीठ से कुचल के उसकी हत्या की गई, ये सारी चीज़ बरामद की गई। जो मृतक था, उसके पास एक हेडसेट था, जो कान में लगा के सुनता था, वो भी बरामद हुआ है, और इन तीनों ने अपना अपराध को
ऐसा सामने आया है कि हत्या करने के बाद जो आरोपी हैं उन्होंने पार्टी भी की थी। देखिए, इसमें दो बातें आई हैं। एक तो पहला कि जब ये गए थे हत्या करने, उस समय इन लोगों ने शराब वगैरह भी पी रखी थी। हम लोगों ने भी स्टैब्लिश किया मेरे एड्रेस का पार्ट है, कहाँ से इन लोगों ने क्या खरीदी, कहाँ पर पी, ये सारा एड्रेस हमारे पास। और उसके बाद इन लोगों ने के बारे में पता चल रहा है कि जब ये हत्या कर दी इन लोगों ने मिलकर, उसके बाद इसको इन लोगों ने सेलिब्रेट किया। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है, उस त्रिनेत्र से जितने हमारे कैमराज लगाए जा रहे हैं, कैमराज के फुटेज से की मदद से पता करने वाला ये भी एक बहुत अच्छी तरीके से आए होंगे। लोग मीडिया है हमारे यहाँ, ये इकट्ठा जो है मुख्य रूप से फुटेज के आधार पर खुला है। और उसमें जो तीनों हथियार थे, ये एक बाइक पर जाते हुए दिखे, सारा एवरेज हमारे पास।